अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की 14 महीने बाद T20 क्रिकेट में वापसी चर्चा का विषय बन गया। लेकिन एक और नाम जिसके बारे में बात हो रही है वो है ईशान किशन। ईशान को भारतीय स्क्वाड में जगह नहीं दी गई है। ईशान की जगह जितेश शर्मा और संजू सैमसन बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम का हिस्सा है। टीम इंडिया से ईशान का नाम गायब होने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मुंबई इंडियंस के इस धाकड़ बल्लेबाज की अब T20 वर्ल्ड कप से भी छुट्टी हो गई है? ये सवाल इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के पहले टीम इंडिया के पास यही एकमात्र इंटरनेशनल T20 सीरीज है। वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से और टीम कॉम्बिनेशन सही करने और स्क्वाड सिलेक्शन के लिए खिलाड़ियों को मार्क करने का ये आखिरी मौका है। यही कारण है कि एक साल से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद इस फॉर्मेट में रोहित और विराट कोहली को भी वापस लाया गया है क्योंकि ये दोनों T20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन ईशान किशन का टीम में शामिल न होना चौंकाने वाला है। ऐसे में PTI ने जब एक BCCI अधिकारी से इस मामले में बात की तो क्या जवाब मिला सुनिए। BCCI अधिकारी ने कहा, ईशान टीम के साथ लगातार ट्रेवल कर रहे थे लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे। वो इस बात से खुश नहीं थे इसलिए वो इस वक्त ब्रेक पर हैं और छुट्टियां मना रहे हैं। आपको बता दें कि ईशान किशन ने पिछले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले अपना नाम वापस ले लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा सामने आया था कि ईशान ने BCCI से मानसिक थकावट की बात कहकर ब्रेक लेने की रिक्वेस्ट की थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ईशान किशन टीम इंडिया में कब और कैसे वापसी करते हैं।